गुड न्यूज पे गुड न्यूज, गुड न्यूज पे गुड न्यूज सुनने को मिल रहा है। लगता है 2024 में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी कमियों को दूर करके और पूरी तैयारी के साथ इस बार आए हैं, क्योंकि इनका जो काम है उसमें तेजी नजर आ रही है। और इसको हम लोग अपने इस वर्तमान मौसम से भी अगर कंपेयर करें तो किसी किसी स्टेट में बारिश हो जा रही है, यानी इस कड़ाके की गर्मी को कम करने के लिए हमारे जो इंद्रदेव हैं वो बारिश करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, राहत भरी खबर है हमारे लिए। अभी BHU का एक ऑफिशियल नोटिस मिला जिसमें इन्होंने अपना पूरा टेंटेटिव शेड्यूल ही जारी कर दिया, यानी अब आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कब आएगा, कितने राउंड आएंगे, GDPI कब होना है, परफॉर्मिंग आर्ट वालों का प्रैक्टिकल कब होना है, ये तमाम चीजें, स्पोर्ट्स कोटा का जो यहाँ पे ट्रायल होना है वो कब होना है, एक ही वीडियो में आप लोग आज जान जाओगे। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, लाइक आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल वाला लिंक है, ज्वाइन कर लो, यहाँ पे एक टीम है जो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। काउंसलिंग, घर बैठे काउंसलिंग करा सकते हो तो उनको कॉल करके आप काउंसलिंग करा सकते हो, आपके मार्क्स के बेसिस पे वो खुद यूनिवर्सिटी चूज कर लेंगे कि आप यहाँ यहाँ करा लो, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लिंक्स हैं जो कि आप जाओ एक बार चेक कर लो, जिससे आपका फॉर्म जो है वो अच्छा से फिलअप हो जाए, और कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बाय द कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर लो। आइए हम लोग इस नोटिस को देखते हैं जो कि एक ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इसका डेट मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। क्लोजिंग डेट आप लोग को पता ही होगा, क्लोजिंग डेट पता है कि नहीं, क्या डेट है बताओ क्लोजिंग का? क्लोजिंग डेट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप देख लो 25 मई, ठीक है, 25 मई है क्लोजिंग डेट। उसके बाद बच्चों के बहुत सारे डाउट थे किसको लेके, करेक्शन विंडो को लेके, कि सर ये हमारा फॉर्म में कोर्स ऐड करना है या हमारा ये बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ गड़बड़ हो गया है, तो फाइनली इसके लिए भी डेट दे दी गई है, जस्ट जिस दिन क्लोज हो रहा है उसी के एक दिन बाद 2 दिन के लिए ओपन हो जाएगा, यानी 26 और 27, ठीक है, ये 2 दिन के लिए आपके पास जो होगा वो एडिट का ऑप्शन ओपन रहेगा, ठीक है, यानी आप लोग अपने फॉर्म में कुछ एडिट कर पाओगे, डन। उसके बाद हम लोग अब इंतजार क्या करेंगे कि भाई जो हमारा राउंड साफ कट ऑफ है, रेगुलर का हो, पेड का हो, जो भी है, वो आने लगे, तो इसका भी यहाँ पे इन लोगों ने बहुत बढ़िया से दे रखा है डेट, और वो है फर्स्ट हाफ, ठीक है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट लेवल पे काम है, ये डिपार्टमेंट लेवल पे काम है, वो लोग 31 तक तैयारी करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, 1 तारीख को, यानी ये मई है, जून, फर्स्ट हाफ जून से आपका फर्स्ट राउंड कट ऑफ आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हाफ जून को ध्यान देना, ऐसा है, मतलब ये टेंटेटिव है, ठीक है, फर्स्ट हाफ जून को। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग ये सच में कर पाए, ठीक है, फर्स्ट हाफ जून को, और उसी के बाद 2 तारीख को जो है उसी के एक दिन बाद 24 घंटे के लिए पेमेंट लिंक चला जाएगा आपके पोर्टल पे, ठीक है, और ये शेड्यूल ऐसे ही फॉलो होता जा रहा है। और यहाँ पे राउंड जो है, देखो एक राउंड तक ये सब चीजें हो रही है, तो 4 तारीख तक तो क्या है, मतलब फर्स्ट राउंड है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 राउंड तक कंटिन्यू, 5 से लेके 5, 8, 11, 14, 17, 20, यानी 20 तक, 1 से लेके 20 तक, हम लोग 1 तारीख लिख चुके हैं, ध्यान देना 20 तारीख तक, ठीक है, 20 तारीख तक कितने राउंड हो जाने हैं, RD7 तक, ठीक है, यानी 4 से 7 राउंड तक 1 से 20 तारीख में हो जाना है। उसके बाद अब बच्चा क्या सोचेगा, अब बच्चा सोचेगा कि भाई हमारा जो बचा हुआ सीट है उसके बारे में क्या है, तो ये लोग 3 डेज आपका लेंगे 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन ये ऑफिस लेवल पे काम चलेगा, किस लिए, जो भी सीटें वैकेंट हैं, जो खाली सीटें हैं, उन सीटों पे ये लोग अपना एक तरह से मॉपअप राउंड के लिए लिस्ट रेडी करेंगे। और मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन कब चालू हो जाएगा, 23 तारीख से, ठीक है, 23 तारीख से आप फाइनली स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है, मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से कर पाओगे, ये आपका हो गया 23 तारीख। उसके बाद ये लोग बात कर रहे हैं, ये चलेगा 23, 24, 25 मॉप राउंड का रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है, उसके बाद स्पॉट राउंड जिसको बोला गया है, इसका जो रिजल्ट है वो 26 से आना शुरू हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं, 26 से, यानी फिर से आपका कट ऑफ जो है या रिजल्ट जो इसको बोलते हैं किसका, मॉपअप राउंड का आना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
अब कुछ बच्चे जो होंगे वो जीडीपीआई वाले होंगे, ठीक है, जैसे एमपीएमआईआर होगा, ठीक है, एमपीएमआईआर होगा, ठीक है, एमएसडब्ल्यू होगा, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कोर्स होंगे, एमबीए होगा, ठीक है, ये सब। अब और भी परफॉर्मिंग आर्ट के भी होंगे, परफॉर्मिंग आर्ट के भी होंगे, तो ये पूरे, और स्पोर्ट्स कोटा का भी होगा, ध्यान देना, स्पोर्ट्स कोटा का भी होगा, ठीक है। अब इन सभी का जो डेट है वो भी डेट यहां पे मेंशन है, और वो है 10 से 18 के बीच में, ठीक है, जून है, जून में ही है, ध्यान देना, ठीक है, 10 से 18 जून के बीच में कैंपस के अंदर आपको अपना प्रैक्टिकल, अपना ये सब देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सबको तो देना नहीं है, तो आपका रिजल्ट इसी बीच में आ जाएगा, मुझे लग रहा है लगभग 26-29 तक ना, जब ये लोग आपका 30 उस तक, मान के चलो इसी महीने में आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा ना, जब ये लोग राउंड आएंगे तो इसी बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फाइनली आप 10 से 18 के बीच में अपना आके यहाँ पे प्रैक्टिकल जीडीपीआई जो भी है वो आप दे सकोगे, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें मेंशन है, ये आपके काम की थी, तो कहने का मतलब ये है कि आप 25 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी से जाके पोर्टल पे कर लो, और ये वाला डेट आप याद रख लो, और वो डेट है क्या है, वो डेट है 1st of June, ठीक है, 1st of June को हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बीएचयू जो है फर्स्ट लिस्ट ऑफ कट ऑफ जो है वो रिलीज कर दे ऑफिसली, ठीक है। तो हम लोग ये दो डेट अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, करेक्शन विंडो की डेट मस्ट याद करना, और वो बस इसी में जोड़ दो 26, और कितने दिन के लिए, 27, यानी 2 दिन के लिए ये आपका आ जाएगा। ये दो डेट याद रखना, क्योंकि बहुत से लोग करेक्शन विंडो में जरूर जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से शेयर करके आ जाओ, क्योंकि बहुत कम जगहों पे लिस्ट अवेलेबल होगा, ये टेंटेटिव है, कभी भी ये डेट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होता, आप बिलीव नहीं करोगे। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड कट ऑफ यानी जो एक है ना, ये 20 दिन लेट हो गया था, 20 दिन, मतलब लास्ट में जाते थे 1 महीना काउंसलिंग लेट चल रहा है। तो ये टेंटेटिव है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस बार चीजें ना थोड़ा सा दिख रही है, पंक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग दिख रही है, सीएससी थोड़ा एक्टिव है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 20-10 दिन तो नहीं, लेकिन 5 दिन लेट के, लेट भी चलेगा तो चलेगा, 5 दिन भी अगर लेट चलेगा, एक है, अगर 5 को भी आ जाता है तो मैं कहूंगा चलो कोई बात नहीं है, फिर भी काम स्मूथली चल रहा है। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं है, प्लीज वीडियो को जल्दी से शेयर करके आ जाओ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो ऑफिशियल लिस्ट है ना लास्ट ईयर इसी चैनल पे देखने को मिला था, इस बार भी इसी पे देखने को मिलेगा। सो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब लिस्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।